तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणित व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बनाएंगे अपन फ्रेश और ताज़ा नींबू का अचार। एक खट्टा मीठा भी बनाएंगे और एक चटपटा भी बनाएंगे। तो ये मैंने करीब 1.5 किलो नींबू ले लिए हैं और ये एकदम फ्रेश हैं। ये थोड़ी सी इनके ऊपर मिट्टी लग रही है, इनको मुझे वॉश करना पड़ेगा। मैं अभी आपको लेके आई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरे नींबू हैं, मैंने 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो के करीब नींबू हैं। तो ये एकदम फ्रेश नींबू हैं और जिनकी मिट्टी लग रही है उनको मैं वॉश करके और फिर आपको बताती हूँ। टाची बिल्कुल लगी हुई नहीं रहनी चाहिए, जैसे कहीं कहीं की लग रही है मिट्टी तो वो तो उतार लेंगे, लेकिन ख़राब नहीं होना चाहिए नींबू, नहीं तो बुरा अचार ख़राब हो जाता है। जहाँ भी ये लगी हुई हैं उनको आप चक्कू की सहायता से ही निकाल दें, नहीं तो ये नींबू पूरा अचार ख़राब कर देगा। तो ये करीब 1.25 किलो, 1.5 किलो नींबू है और इनका अपन अचार बनाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ किस प्रोसीजर से। सबसे पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद इनको अपन इनका कट कट करके और रस निकालेंगे। नींबू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और सूखे कपड़े की सहायता से इनको अच्छी तरह से इस तरह से पोंछ लेंगे। और इनके अंदर पानी की बिल्कुल भी बूंद नहीं रहनी चाहिए, एकदम सूखे सूखे नींबू रहने चाहिए। और इनको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर चक्कू की सहायता से 4 टुकड़े इनके कर दूँगी। 4 टुकड़े तो खैर सभी जानते हैं, ये 4 टुकड़े करके और इनको कर लेंगे। फिर बीज निकालने हैं और इसका रस भी निकालना है। तो फ्रेंड, नींबू बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं इनके एक एक नींबू के 4 पीस कर लेती हूँ इस तरह से, और इस बर्तन के अंदर इनको निकाल लेती हूँ इस तरह से, इस तरह से। आप किसी भी तरह से ऐसे भी काट सकते हैं और नींबू को ऐसे भी काट सकते हैं, खड़े नींबू भी काट सकते हैं। तो इस तरह से नींबू कट कर लेंगे, खड़े ऐसे खड़े भी काट सकते हैं और इधर आड़े भी काट सकते हैं। खड़े नींबू से जो इनका रस है वो निकलता नहीं है, और आड़ा नींबू काटेंगे तो इनका जो रस है वो आराम से निकल जाएगा। अब मैंने एक साफ बर्तन ले लिया है और इसके बीज और जो नींबू है, जो इसका रस है, वो इसके अंदर मैं निकाल लूँगी। जैसे ऐसे इतना इतना निकालना है, ज़्यादा रस नहीं निकालना है। और ये रस से अपने को फिर काम आएगा ये नींबू का, बस इतना इतना खाली करना है इसको, ताकि जो ये बीज हैं ये सारे निकल जाएं और इनको अपन आराम से, क्योंकि बीज की वजह से थोड़ा सा ये नींबू का अचार जो है कड़वा हो सकता है, इसलिए बीज को ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं इस तरह से। नींबू का जो बीज होता है उसके अंदर जो कड़वापन होता है, और बीज खाने भी नहीं चाहिए, नींबू का बीज जो है बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लीवर के लिए। नींबू बहुत ही शानदार हैं, रस भरे हुए हैं, देखो कितना रस निकल रहा है इनके अंदर, ये देखो। तो फाइनली मैंने नींबू कट कर लिए हैं और इनका रस ये निकाल लिया है, और अभी इस रस को काम में लेना है अपने को। और ये जो दागी नींबू थे, थोड़े थोड़े दाग हो रहे थे, वो मैंने अलग निकाल लिए हैं, और बाकी इसमें से भी मैं अलग अलग कर दूँगी नींबू को। वो ये नींबू मैंने ऐसे टोकरी के अंदर रखे हैं ताकि जो इनका जो रस है वो इसके अंदर आ जाए और ये थोड़ी थोड़ी सी देर में सूख जाएं। ये सूखे सूखे हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर अपन मसाला ऐड करेंगे। कईयों में देखो अभी तक वो है बीज, तो बीज को बिल्कुल हटाना ही है, नींबू के अंदर नहीं आएगा अचार में। नींबू का जो बीज होता है वो कड़वापन लाता है, तो इसलिए नींबू के बीज को हमेशा जब अचार डालें तो एक एक करके के नींबू के अचार को जो बीज है वो निकाल देना चाहिए। तो थोड़ी सी देर में ये जो रस है वो निकल के और नीचे आ जाएगा इसके अंदर, देखो ये शुरू हो गया आना। मैंने इसी में इसीलिए इसके अंदर डाल दिया, देखो नीचे भी फैल गया थोड़ा, जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला तो ये थोड़ा सा नीचे फैल गया था। तो अब इसके अंदर, इसके लिए अपन मसाला तैयार करते हैं, क्या क्या मसाला चाहिए अपने को, ये देखो। बहुत फ्रेश नींबू हैं एकदम, और ये गांव के नींबू हैं तो एकदम छिलका भी इनका ज़्यादा पतला है, बहुत मोटा नहीं है। और ये नींबू बहुत ही पौष्टिकता वाले होते हैं, नींबू का अचार बहुत पौष्टिक है, क्योंकि इससे हमें
विटामिन सी प्राप्त होता है, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जब हम नींबू का अचार खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर हम खाना खाने के बाद में यदि एक नींबू का जूस है, तो फाइनली कुछ इस तरह से हो गए हैं ये सूखने के बाद में, और जो इसका रस बचा था वो उधर साइड में रख दिया है। अब इसके अंदर हम कुल मिला के थोड़ा ज़्यादा नमक इसके अंदर हम डालेंगे, और करीब 2 चम्मच मैं इनमें 2-2.5 चम्मच इसके अंदर भर के मैं डालूँगी, क्योंकि अब इसका पानी निकलेगा और 2 दिन के लिए इसको अपन इसके अंदर नमक के पानी में इसको पड़ा रहने देंगे, और एक साफ साफ और सूखी चम्मच से इसको अब मिला लेना इस तरह से। इस तरह से साफ और सूखी चम्मच से मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी, और मिलाने के बाद में इसको ढक्कन लगा करके 2 दिन के लिए इसको रख देंगे। तो ये पूरे रात और पूरी दिन पड़ा रहेगा, और कल शाम को हम इसको संभालेंगे। इसको धूप में नहीं रखना है, ये जहाँ अपनी किचन है बस किचन में आप रख दीजिए, और ये बाकी बचे नींबू इनमें मैं मिर्ची डालूंगी, और जो मसाला है अपना घर का मसाला है वो डालूंगी। और ये मैंने ये जो काली मिर्ची होती है ये कूट ली है, और ये राई है, और मेथी दान, पूरा नमक डाल दिया, मिला दिया, इससे मैश कर दिया पूरा नमक को। और अब इसको जो ढक्कन है एकदम साफ ढक्कन है उसको इसके ऊपर रख देंगे, और करीब हम 2 दिन बाद में मतलब इसी समय मतलब 24 घंटे के बाद में हम इसको संभालेंगे, और इसी समय इसका पूरा मसाला तैयार करके अचार डालेंगे। अब आप देख लो इस तरह से है, अब इनको थोड़ा सा 24 घंटे में इसको गलने देंगे, उसके बाद इसका अपने जो अचार जो मैंने 2 दिन पहले काट करके नींबू काट करके रखे थे वो आज संभाल लेते हैं। वो कुछ इस तरह से हो गए हैं, ये देखें नींबू का जो छिलका है वो बिल्कुल गल गया है। और अब इसके अंदर तैयारी करते हैं मसाले की। मैंने 3 चम्मच इसके अंदर पहले नमक डाल दिया था, और अब इस तरह से इसको ऊपर ले लेंगे, और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया, अच्छा रस छोड़ दिया। अब तैयार करते हैं मसाला। ये नींबू जो है वो है करीब 1 किलो, आधा पौन किलो के आसपास है, ये 1 किलो आधा किलो के आसपास हैं। तो अपन अब इसका मसाला जो है वो तैयार करते हैं कि इससे में कितना मसाला डलेगा। ये देखो नीचे पानी है, अभी ये आ गया, थोड़ा थोड़ा पानी निकल गया क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था। तो अब अपन मसाला तैयार करते हैं। तो अंदाजे से 1 किलो के हिसाब से ये मैं थोड़ी सी ले रही हूँ अजवाइन, अजवाइन के बाद में ये राई, राई से सही रहता है, और ये मैं ले रही हूँ सौंफ। सौंफ थोड़ी ज़्यादा ले रही है क्योंकि मसाला अच्छा बन जाता है। और ये है दाना मेथी, देसी देसी दाना मेथी है ये देखें कितनी अच्छी है, और ये मैंने ले लिया। अब इनको करते हैं एक अलग से पैन लेकर के, फ्राइंग पैन लेकर के उसमें रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इनकी जो मॉइस्चर है वो सारी ख़त्म हो जाए, नमी जो है मसालों की वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ये मसाला निकालते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनके अंदर, और ये मैंने सब साफ करके रखा था, तो ये सारा अभी फ्राइंग पैन लेकर के उस पर रोस्ट कर लेते हैं। मसाले को रोस्ट करते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं, बस इतना बहुत है, और मसाले में जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि गर्म होते ही अपनी नमी छोड़ देता है, उसके अंदर से मसाले में जो नमी है वो गायब हो जाती है, और खुशबू जो सूखापन है वो आ जाता है, खुशबू सूखापन आते ही इसमें खुशबू आने लग जाती है। तो इस तरह से ही देखो ये मसाला अपना बन करके रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम जो है वो थोड़े मोटे बर्तन में मैंने इसको निकाल दिया है, और ये हमारा मसाला जब तक ठंडा होता है तब तक मिर्च मसाला और जो सूखा मसाला अपना उसको तैयार कर लेते हैं। मसाले के अंदर हल्दी, थोड़ा कलर अच्छा आता है हल्दी से, तो हल्दी ज़रूर डालें, और हल्दी दोनों जो खट्टा मीठा होता है उसके अंदर मिर्ची काली मिर्ची अच्छी रहती है, और ये हमारे आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतनी इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि मसाला जो काली मिर्ची है मसाले का गरम मसाला पड़ता है, तो ये हमारे शरीर के लिए भी आंखों के लिए भी बहुत ही, और लीवर के लिए भी खाना पचाने में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए उसको इस तरह से मिला देते हैं। सारा मसाला मिल गया, और तो मसाला तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया, तो वो भी इसके अंदर डाल देते हैं।
इसको पहले मसाले को अच्छी तरह से मिला देती हूँ इसके अंदर। मिर्ची मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि ये मीठा वाला भी है इसी के अंदर और चटपटा भी है, तो पहले मैं मीठा वाला निकाल लूँगी, फिर इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची और ऐड कर देंगे ताकि ये मसाला, इसके जो मिर्ची वाला मसाला है वो इसके चिपक जाए। और बाकी बाकी में चीनी डाल देंगे तो फिर इस तरह से ये अपना अचार बन करके तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अब देखते हैं ये मसाला जो अपन ने रोस्ट किया था वो थोड़ा सा अभी गर्म है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। इतनी देर में मैं इन दोनों को अलग अलग निकाल देती हूँ, फिर इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची और डाल देते हैं। तब तक फैन के सामने मैं इसको, जो गर्म हो रखा है मसाला, इसको फैन के सामने रख दूँगी। इसलिए इसको आपको रखना ही पड़ेगा तब तक, तभी जाके ये गलेगा। और अगर आप चाहें नींबू मिर्ची का अचार डालना तो इसी तरह से बस इसके अंदर मिर्ची काट के डाल दो बस। और अगर आपको कलौंजी पसंद है तो आप कलौंजी डाल सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं कलौंजी नहीं डालती हूँ। ये मीठा रहेगा और ये चटपटा रहेगा, तो मैंने दोनों में आधा आधा कर लिया है। और अब दोनों का, अब इसमें थोड़ा सा चटपटापन ज़्यादा लाना पड़ेगा इसलिए इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसको मीठा बनाना है और इसको बनाना है चटपटा। तो इसके अंदर अभी जो रोस्ट किया हुआ मसाला है तो इसके अंदर हम थोड़ी सी मिर्ची और डाल, क्योंकि मिर्ची से ही ये चटपटा बन सकता है। थोड़ी मिर्ची डालेंगे और क्योंकि खटाई है इसलिए ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं। नमक अपन ने पहले ऐड किया हुआ ही है, खाली इसके अंदर अलग इसीलिए किया है क्योंकि इसके अंदर हमने मिर्ची थोड़ी और डाली है। आप देखो इसका कितना शानदार कलर आ रहा है, ये देखो इस तरह से इसको मैश कर दिया। अब जो हमारा जो मसाला है ये करीब करीब ठंडा हो चुका है, ये देखें ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये इसके अंदर डाल दिया चटपटे वाले में और बाकी जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो हमारे दोनों जो अचार है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से इसको भी हिला देते हैं, इसके अंदर भी चटपटा अच्छा है। इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची और हो गया है, अब इसके अंदर अपन डालते हैं चीनी, इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। चीनी इतनी डालनी है, ये अपने आप इसका रस ले लेगी ताकि ये एकदम चाशनी छोड़ दे, इतनी चीनी इसके अंदर डालनी है। ये इस तरह से चीनी डाल दी है, अब जो मेन चीज है वो मैं आपको दिखा अंदर, तो चीनी अपने आप चाशनी में परिवर्तित हो जाएगी और नींबू के ऊपर मसाला जो है वो चिपक जाएगा। मुझे थोड़ी सी चाशनी जैसे कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी चीनी इसके अंदर और डाल दूंगी। अब इसको एक डिब्बे तो धूप में रख दीजिए और इसको डुबो के ऐसे, क्योंकि ये जब सारे खट्टे मीठे हो जाएंगे और छिलका जो है वो बड़ा टेस्टी हो जाएगा। और ये हो गया इसके फ्रेंड्स, मैंने दो डिब्बे ले लिए हैं, एक केरा एक केरा, ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सूखे हैं और जो सूखा हुआ नहीं था मैंने उसके फैन की तरफ कर दिया था, तो ये बिल्कुल सूख चुका है। तो अब इनके अंदर ये अचार डालते हैं, लेकिन ये मसाला जो है वो थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, इस तरह से इसको डाल देते हैं। मिर्च ये डाल देनी है और दो ही चम्मच हमें इसके अंदर तेल डालना है, जो खट्टा मीठा बनाया चटपटा बनाया है उसके अंदर दो चम्मच ये वाली भर भर के इसके अंदर बिना गर्म किया हुआ तेल इसके अंदर डालना है। तो एक धूप में रखना है और धूप में रखने के बाद में ये जो अपन ने चीनी डाली है अपने आप मेल्ट हो जाएगी, सो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ढक्कन लगा करके इसको पैक करके रख देना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है अचार। और अब ये दूसरा जो मीठा अचार है वो इस डिब्बे में भरेंगे, मैंने बिल्कुल सूखा लिया इस डिब्बों को, थोड़ा सा ये सूखा हुआ नहीं था, अंदाजे से एकदम सही डला है, कोई मतलब जो आधा आधा मैंने कर दिया था बिल्कुल सही सही हुआ है। और इसके अंदर अब ये चाशनी बन जाएगी इसकी चीनी की, अब ये खट्टा मीठा टेस्टी हो जाएगा अचार। दो तीन दिन के लिए इसको धूप में रखना है, एक अचार ये और एक अचार ये, दोनों को धूप में रखना है और दोनों के ही अपने को ढक्कन लगा करके रख देना। मेरे पास कांच का नहीं है, आपके पास अगर कांच की बननी हो तो आप कांच में डाल सकते हैं और प्लास्टिक के तो प्लास्टिक में, लेकिन स्टील के डिब्बों में अचार नहीं डालते हैं। ये दोनों साफ ऐसी येलो येलो रहता है। तो आपको दोनों अचार की रेसिपी कौन सी अच्छी लगी
आप भी जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। आप मेरे शुरू से सपोर्टर हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही आपने नया मेरा चैनल देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दिए और बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब भी कर दिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।